आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ, ये है मिलन टॉकीज। मिलन की टॉकीज। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मिलन टॉकीज ब्रॉट टू यू बाय फनीशियन नेटवर्क प्रोड्यूस्ड बाय वैशाली ठक्कर। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते है हमारे साथ एक खास मेहमान जिनको आप रियल लाइफ 777 चार्ली बोल सकते हैं। मतलब ही इज अ डॉग डैड, डॉग लवर एंड हैज अ ब्यूटीफुल जर्नी विच इज ऑन। एक्चुअली वो जर्नी खत्म नहीं हुई है, एक बहुत ही बेहद खूबसूरत जर्नी पे वो चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, आपको अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो वैसे इंसान बनो, इतने अच्छे इंसान बनो जितने अच्छे आप अपने डॉग के नजर में हो, पेट के नजर में, बिकॉज उनके नजर में तो आप भगवान हो, राइट। चलिए फिर मिलते हैं। Oh my God! Okay. She just bit me. Wait for okay. a minute. Yeah. Let me. रजत, आपका स्वागत है फनीशियन नेटवर्क पर। कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? Thank you so much. सब मस्त चल रहा है। अभी जस्ट लद्दाख से लौट के आने के बाद एक अलग टाइप का हैप्पीनेस है पूरा। मतलब घर में सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब एक वेलकम टाइप का किया मेरा जब मैं घर वहां से वापस लौट के आया। काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मैगी और मार्वल को मेरे पेरेंट्स सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब हम लोग घर वापस आए तो मतलब सब लोग एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा टेरिन वहां का थोड़ा सा मतलब डरावना है, मतलब कैसे डिफिकल्ट है। तो हम लोगों के लिए मतलब सब लोग जो वीडियो और जब मैं लाइव जा रहा था सब लोग वेट कर रहे थे। सब लोग ये चीज सोच रहे थे कि घर कब आएगा ये वापस। ऑलमोस्ट अ मंथ हम लोग का। आई नो, एंड मैं अपने सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि रजत अभी अभी लद्दाख से होके आए हैं एंड ही वेंट विथ हिज डॉग। सो दैट इज रजत्स जर्नी एंड उनके दो डॉग्स हैं, एक मैगी एक मार्वल। वी डिड फॉर द हाईएस्ट पास, हम लोगों ने एक उमलिंगला पास। यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट रजत। Let's talk about your most recent journey. In fact, मैं क्या बोलती हूँ रजत, हम लद्दाख के बारे में बात करते हैं, but शुरुआत से शुरू करते हैं। आप बताइए कि दिमाग में आपको कैसे लगा कि you want to do this? पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मतलब मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे मैगी के साथ, not with Marvel. Marvel तो अभी ज्वाइन किया। Marvel ने मतलब Marvel को देखो, डॉग्स आर मेड फॉर एडवेंचर्स, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो बड़ी ब्रीड के डॉग्स होते हैं, छोटी ब्रीड के डॉग्स होते हैं, इट डजंट मैटर, डॉग्स आर मेड फॉर एडवेंचर। उनको फन करना बहुत पसंद होता है। तो मैगी इज दैट काइंड ऑफ डॉग जिसको है ना, मतलब मेरी बाइक पे, मेरे एक्टिवा पे ट्रैवल करना हमेशा से पसंद था। तो अराउंड आई ब्रॉट हर होम इन 2009 जब मतलब मेरी बुआ की शादी हुई थी, उसके बाद में उसको घर लेके आया था क्योंकि घर में एक होता नहीं, एक स्पेस वैकेंट, मतलब स्पेस वॉइड हो जाता है। उस टाइम से था तो मतलब घर में एक वॉइड टाइप का हो गया था। एंड उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे घर से एक साइकिल भी चोरी हो गई थी। मेरे हमेशा से मेरे घर में एक डॉग रहा है हमेशा। तो बट रिसेंट टाइम में उस टाइम पे एक मेरा डॉग थी गुंचा, उसकी डेथ हुई थी। तो एक बहुत बड़ा एक वॉइड टाइप का हो गया था घर में। मतलब हम लोग खेल मतलब पसंद ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था खाली खाली सा घर है। तो मैंने सोचा क्या बोलते कि एक डॉग को लेके आया जाएगा। बट द थिंग इज कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी रिसेंट में ही एक डॉग एक्सपायर हुआ था। तो घर वाले मना कर रहे थे, कहते नहीं नहीं कोई डॉग नहीं आएगा घर में, क्योंकि जब ये जब अपन को छोड़ के जाते हैं ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू यस एक आपके साथ। तो मैं अराउंड हूंगा 13 ईयर्स ओल्ड। तो जब मैं इसको लेके आया था मतलब अपने घर में, तो मेरे को साइकिल खरीदने के लिए मैं पैसे कलेक्ट कर रहा था अपने, जो अपने एक छोटा सा मेरी साइकिल चोरी हुई थी। तो मतलब जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो वो आपको कुछ पैसे देके जाते हैं या फिर कोई पैसे देता है तो अपन पिगी बैंक होता है। तो मेरे पास में एक अंकल रहते हैं, उनके फार्म हाउस पे फीमेल ने काफी सारे पब्स दिए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अराउंड 4,000 या 5,000 रुपीज का मैं आपको दूंगा, अगर आपको लेना है तो बताओ। मैंने कहा बहुत कॉस्टली है, एट दैट टाइम इट वॉज वेरी कॉस्टली। मतलब एक छोटे बच्चे के लिए 13 साल के लिए मेरे ख्याल से 5,000 रुपीस एट दैट टाइम वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एब्सोल्युटली। तो उस टाइम में मैंने अपना पिगी बैंक लिया, अराउंड 2,500 रुपीस उसमें निकले, मैंने तोड़ दिया था, उसमें 2,500 निकले थे। आई वाज कि मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं है उस टाइम पे। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया, मतलब उस टाइम पे मेरे स्कूल मेट्स थे,
मैं बहुत अपसेट रहने लगा कि मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं है. तो एक मेरा फ्रेंड था आकाश, उसने मेरा हेल्प किया एंड ही गेव मी 1500 रुपीज. तब मैं जाके मैंने उन अंकल को दिया. ये मेरे पास आई थी सितंबर में, बट शी इज वाज बोर्न ऑन 15th अगस्त. ओके, इंडिपेंडेंस डे पे. इंडिपेंडेंस डे पे वो आजाद तो हमेशा से है. तो अब वो है ना, क्या बोलते, जब मैं इसको घर लेके आया तो शी वाज जस्ट लाइक बहुत क्यूट सी, इतना फ्लफी सा बच्चा था, बहुत क्यूट सा. हमेशा मेरे को एक रहता है, वो अभी भी याद है. तो घर वाले सारे मेरे अगेंस्ट थे कि आप घर में क्यों लेके आए हो इसको, ये वो. मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि छोटा हूँ, तो सब लोग सोच रहे थे कि नाराज हो जाएंगे तो इसको वापस दे आएगा. मैंने कहा मैं करूंगा ना. सब बोल रहे थे साइकिल के लिए पैसे दिए थे आपको, आपने साइकिल के पैसे क्यों नहीं रखे. तो मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं फिजिकल एक्टिविटीज इससे कर लूँ. वो बोल रहे कि कहीं जाना होगा तो. मैंने कहा नहीं नहीं मैं आई विल अरेंज ऑल दोस थिंग्स. एक बच्चा नहीं होता कि जिद भी होता है कि नहीं यार करना है, इससे कर दिया. तो वही चीज मेरे अंदर भी, मैं एक रेबल रेबल टाइप का हो गया था कि नहीं यार मैं सब कर लूंगा, मेरे को बस ये चाहिए. अभी एट द टाइम मुझे वो चाहिए थी. अब जैसे ही क्या बोलते हैं कुछ टाइम इसने क्या किया, मैगी ने मेरे ऊपर जो मैं टी शर्ट पहना हुआ था वो उस पर शुशु कर दिया. लाइक मैं घर में किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि एक वो होता था कि बता दिया तो इसको बाहर कर देंगे. तो बिल्कुल, बिल्कुल. 24 आवर्स तक मैं वो गीली टी शर्ट पहन के घूमता रहा क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं था. वो डार्क टाइप का हो गया था, मैंने कहा कुछ नहीं पानी फैल गया, मैंने किसी को नहीं बताया वो चीज. फिर नेक्स्ट डे मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा मतलब एक दो हफ्ते में कम्फर्ट. बट द थिंग इज कि इसका नाम कैसे पड़ा था वो मैं आपको बताता हूँ. मेरी जो मेरी बुआ थी, जो मतलब एक सेकंड नंबर की बुआ थी, वो मैगी खा रही थी या मेरी सिस्टर थी, दोनों में से कोई एक मैगी खा रहा था. तो आई वाज लाइक कि वहां पे मैगी आई थी और ये बहुत ऐसे लेजी सी थी. तो सब लोग बोल रहे क्या यार ये ऐसे लेजी लेजी सी है. मैंने कहा शायद बहुत दूर से आई है ना इसीलिए भूख लगी होगी, इसने कुछ खाया नहीं है. तो उन्होंने लेके एक सिप उसको मैगी दी एंड लाइक जैसे अपन सिप करके जोश आ गया उसमें, उसने मैगी सूखी तरीके से सिप सिप करके खा ली. तो हम लोगों ने उस दिन से इसका नाम मैगी रख दिया था. एंड शी लव्स मैगी, बट उसने आज तक उसके बाद मैगी नहीं खाई है. खा नहीं सकती राइट. तो हम लोग जैसे मेरा एक टाइम था, एक टाइमलेस था. हम लोग धीरे धीरे मतलब बड़े हो रहे थे, सारी चीज थी, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया. एक मतलब साथ में कि एक डॉग आता है तो घर में एक हैप्पीनेस टाइप की हमेशा एनर्जी बदल जाती है. आप जब भी घर से बाहर जाओ या घर से वापस आओ, देयर इज समवन हु वेलकम्स यू ऑलवेज. मतलब जब आप घर वापस आओगे, समवन इज वेटिंग फॉर यू, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब आप है ना, मतलब कभी भी जाओगे ना तो भले ही आपके घर वाले आपको शायद उस तरीके से वेलकम ना करें, बट आप 100 बार भी घर से बाहर जाओगे, 100 बार भी वापस आओगे, एक बंदा आपके पास है आपका वेलकम करने के लिए. देयर वॉज अ मैगी. तो वो मेरा मतलब हमेशा मेरे लिए एक, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, वो मैगी मेरा वेट करती थी. मतलब कि हम लोगों का जैसे सुबह घूमना जाता था, शाम को घूमना जाता था, वो एक टाइम लैप्स चलता हुआ आ रहा था. फिर एक कहते नहीं है कि एक बुरा सा टाइम आता है कुछ टाइम बाद, मतलब कॉलेज आ गया, सारी चीज हो गई. तो मैं मतलब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था 2019 का टाइम. आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम मेरे घर में कैसी चीजें रही. शी वॉज एट द टाइम शी वॉज 11 ईयर्स. तो मैं जब वापस आया तो कुछ टाइम बाद मेरी दादी बोलती है कि मैगी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग. मैंने बोला क्या हो गया एकदम से, मेरे को समझ ही नहीं आया. कि मेरे लिए मैगी बहुत इम्पोर्टेंट रही है. मतलब कि घर में किसी के लिए कुछ हो ना हो, मैगी के लिए मैं कर हर चीज करने के लिए तैयार हूँ. एक्चुअली शी इज माय गर्ल. तो अब क्या होता है ना, अपन है ना जैसे मैगी को अपसेट देखा तो उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था. लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी डॉक्टर्स आपको आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार ही नहीं होता, 2 मिनट का भी विजिट आपको नहीं देगा. वो फोन कॉल पे मैंने बोला मैम इसका एक ब्लैडर के पास में एक बहुत बड़ा साइज इंक्रीज होता जा रहा है. तो बोलते कि एक काम करो, शायद मेरे ख्याल से इसको ट्यूमर है. तो मैंने बोला मैम ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं. तो वो बोलते कि आप लेके आओ. तो एक हफ्ते बाद लॉकडाउन ओपन होना था. एक हफ्ते बाद अराउंड मतलब एक हफ्ते फिर वो एक्सटेंड होता चला गया, एक्सटेंड होता चला गया, एक्सटेंड होता. अराउंड 2021 जब मतलब लॉकडाउन बीच में कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था. तो मैं इसको क्या बोलते हैं जैसे जैसे करके लेके आ जाता था, आता था वहां पर डॉक्टर्स के पास. तो यहाँ पे क्या एक्चुअली डॉक्टर्स का जो मतलब कहा जाएगा इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं है, या फिर मतलब वो लोग है ना प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं देते हैं. मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स है नहीं, मतलब मेरे जो मेरी सिटी.
तो थिंकिंग कि जब इसका प्रॉपर इलाज ही नहीं हो पा रहा है, वो मतलब थोड़ा टाइम तो ठीक हो गई थी, बट वो तो उसका जो ब्लैडर के पास था वो ट्यूमर इंक्रीज होता जा रहा था डे बाई डे डे बाई डे। मेरे लिए मतलब वो हमेशा एक दिमाग में वो चीज बन गई थी कि क्या करे। तो मैंने ना, मेरी बुआ रहती है मुंबई में, आई वॉज टॉकिंग टू हिम कि बुआ आप क्या कोई मतलब डॉक्टर्स हो, तो बोलते कि हाँ लेके आ जाओ इसको। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, अगर इसका ऑपरेशन कराना ही है, ट्यूमर का ऑपरेशन कराना है, तो अपन इसका बेस्ट जगह कराएंगे। तो आई वॉज आस्किंग एवरीबडी कि कहाँ पर होता है बेस्ट इलाज जो मतलब अपन इसका करवा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जिसको मैं वो स्नैप भेजता था, जिसको मैं प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो भी छोटे मोटे जो भी पर्चे होते थे वो मैं भेजता था, लाइक कि इसके ऑपरेशन में डेथ हो सकती है, इसका एनेस्थेसिया में रिस्क है, इसको काफी ज्यादा बड़ा मतलब ट्यूमर हो चुका है। मैं मतलब बहुत नर्वस रहने लगा काफी। मैंने तमिलनाडु फोन किया, एक तमिलनाडु में एक मदुरई के अंदर जगह है, बेस्ट हॉस्पिटल, चेन्नई और मदुरई के पास में बेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं इसका ऑपरेट करवा लूँ और सारी चीजें मैनेज कर पाऊँ। अराउंड 50-60,000 रुपीज तो एक नॉमिनल लग ही जाता है किसी भी ऑपरेशन को करवाने के। जब मैंने क्या बोलते वहां पे फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप लेके आओ इसको, अपन इसका करवा लेंगे। बट उन्होंने भी यही चीज बोली कि इसका ऑपरेशन में रिस्क है। मतलब मेरे दिमाग में एक चीज 100% श्योर हो गई थी कि जब भी इसका ऑपरेशन करवाएंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज फीड हो गई थी। आप जस्ट आप इससे है ना, कोई चीज 10 या 15 बार कोई इंसान कहे तो आपके मन में भी वो चीज हो जाती है ना कि वो उसकी डेथ हो सकती है। आई वाज लाइक कि इसका जो लास्ट जर्नी है, आई वांट टू मेक इट वंडरफुल। मैं लाइफ टाइम के लिए मतलब उसको है ना हमेशा के लिए एक मेमोरीज क्रिएट करना चाहता था कि इसको स्नो बहुत पसंद है। मतलब स्नो नहीं इन द सेंस जो अपन जैसे फ्रिज में से बर्फ निकाल के रखते हैं, बर्फ ऊपर से, तो मैं क्या करता था इसको बर्फ निकाल के जो अपने जम जाती है वो जो ऊपर की तरफ वो क्यूब्स नहीं अच्छा वो कुरेद के जो निकालते हैं। एग्जैक्टली वही तो मैं देता था। तो शी वाज लाइक उसको ऐसे बंडल बना के दे देता था स्नोबॉल टाइप का, तो वो ऐसे जाती थी ऊपर जाके अपने अपने कोने में जाके चुपके से खाती थी। एंड उसके लिए तो अभी इसको टमाटर और स्नो बहुत पसंद है, तो आई डिसाइडेड कि इसको स्नो वाली जगह लेके जाएंगे। अच्छा। तब हो रहा था मतलब अराउंड तब था जुलाई 2021 जुलाई। ओके ओके। तो मैंने एक जॉब भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी इस जर्नी के लिए, तो मैंने एक जॉब भी स्टार्ट कर दी थी ऑन द वे। फिर मैंने कहा कि अब वो टाइम आ गया कि इसको लेके जाया जाए। तो फिर हम लोग नवंबर में मतलब वैसे तो हमने ना आसपास तो हम लोग बहुत जगह गए थे, बट जो स्नो के लिए हम लोग गए थे कश्मीर। अच्छा। तो क्योंकि और कहीं स्नो मिलने वाली भी नहीं थी आसपास हमारे यहाँ, कहाँ मिलते। तो अराउंड 1500 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस हम लोग बाइक ट्रिप किए थे, क्योंकि जब मैं बाइक भी लेके आया था ना, शी वॉन्ट्स टू सिट ऑन फ्रंट ऑफ माई बाइक, मतलब जो टैंक होता है ना उसके ऊपर बैठती थी। तो आई वाज लाइक कि इसको क्या मतलब बाइक जर्नी ही करवाएंगे और पूरा मतलब जो भी जैसा भी रहेगा। आप मतलब जैसे अगर मैं किक स्टार्ट भी करता हूँ ना, यू सी माय वीडियोस, जब भी मैं किक स्टार्ट करता हूँ ना बाइक को, शी विल क्रेज ऐसे बैक करेगी, गोल 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 घूमेगी और मतलब पूरी तरीके से, एंड लिटरली नो वन कैन टच माय बाइक। अगर वो वहां पर बैठी हुई है, नो वन कैन टच माय बाइक, शी इज दैट मच पॉजिटिव। Okay. मतलब अगर उसको अगर बैठना है मतलब बैठना है, मतलब इनफैक्ट मार्वल इज क्वाइट फिट एंड यंगर देन हिम, बट अभी भी मार्वल को वो इतना डोमिनेंट करके रखती है मतलब कि नहीं तुम नहीं बैठोगी मैं बैठूंगी। अल्फा जी। तो अब वहां से हम लोग पहले स्नो के लिए वहां पे गए, काफी सारे इंसिडेंसेस हुए मतलब बीच बीच में, काफी सारा मतलब हम लोग लूट हुआ, काफी सारी चीजें हुई हमारे ऑन द वे में, बहुत सारी चीजें वो भी मैं आपको पता था। बट इट वाज वेरी स्ट्रगल मतलब हम मेरे मैगी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों ने मतलब अक्टूबर नवंबर का टाइम हो रहा था और जितना मैं लेट कर रहा था मतलब ऑपरेशन के लिए उतना मेरे लिए मतलब वो मैगी का वो ट्यूमर एक्सपैंड हो रहा था। लाइक कि मुझे अब जाना चाहिए, मुझे इसका एक लास्ट जर्नी वंडरफुल करनी है। हम लोग कश्मीर गए, कश्मीर में एक बहुत ही हॉरिबल नाइट थी हमारे लिए, क्योंकि द थिंग इज रास्ते में हम लोग जब जा रहे थे तो एक ट्रैफिक जाम मिल गया था हमको, बहुत लेट हो गए थे उस दिन, करीब करीब 2:30-3 बज रहा होगा रात का। अराउंड मैं होऊंगा कश्मीर वैली में जो मतलब डेंजरस एक स्पॉट है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आई वाज लाइक कि मैं वहां पर गाड़ी रोकी, मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैंने मुझसे कि मैंने कहा भैया दो रास्ते थे उसमें, मेरा मैप गूगल मैप वर्क नहीं कर रहा था, मैंने कहा ये रास्ता ऊपर जाके ज्वाइन करेगा क्या। एक्चुअली दो पैसेज थे मतलब एक किधर था एक किधर था,
लाइक कि ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या। तो उन्होंने एक बंदे ने जो तीन बंदे थे वो एक बैठा हुआ था, एक बगल में खड़ा हुआ था, एक दूर था, लाइक उसने मेरी गाड़ी की चाबी खींच ली। मतलब आज भी मेरे को जी, अभी मैं जब रेड लाइट में वापस आ रहा था ना तो वही स्पॉट पे मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक क्योंकि एक फियर फैक्टर होता है लोगों में डॉग्स को लेके, तो मैगी को मैं कंबल में, एक्चुअली उसके एज हो चुकी है तो मैं उसको कंबल में रोल करके रखता हूँ। डॉग्स आर वेरी कंफर्टेबल विद द कोल्ड वेदर, उनको इजीली सर्वाइव कर लेते हैं कोल्ड। गर्मी एक बार तो उनको थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट डॉग्स आर वेरी गुड एट इन कोल्ड टेम्परेचर्स। तो बट स्टिल मैंने उसको कंबल में उसको रैप करके अंदर बिठा के रखा हुआ था। तो अब उन लोगों ने जब मेरे को क्या बोलते पूरा चेक किया, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उनको दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे GoPro वगैरह निकालने की कोशिश कर दी थी। मैंने अपने वीडियोज में भी ये चीज बताई है, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए मैंने भी वो चीज बताई है। बट द थिंग इज कि उन लोगों ने मेरी चाबी निकाली थी, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आपको जो भी चाहिए, मेरा पैसा जितना भी चाहिए आपको मैं दे दूँ। तो यू आर आस्किंग फॉर माई गैजेट्स, मैंने उसको वो चीज के लिए मना कर दिया। मैंने कहा वो चीज तो नहीं दे पाऊंगा, प्लीज सर आप मेरी चीज को समझिए, मैं आई एम बैगिंग यू। और उस टाइम पे देखो अपन कितने भी अपन बोल्ड हो, जब आपकी जान पे बात आती है ना तो आप है ना सारी चीजें भूल जाते हो, भूल जाते हो कैसे क्या। आप मतलब अपने मन में आप कितने भी बड़े हीरो हो, आप कितना भी मतलब अपने आप को समझते हो, बट एट दैट टाइम आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से निकल जाऊँ कैसे भी करके, जो चाहिए दिल ले लो। बिल्कुल। उसने नहीं सुना वो चीज, और उसने क्या किया मेरे बैग्स वगैरह के, मेरे को पूरा चेक किया, उसने बैग की तरफ गया जस्ट इन केस। उस बंदे ने क्या किया, वो जो मेरा मैगी थी ना उसका कंबल हटा दिया, एंड दैट्स द मिस्टेक ही डिड। वो मैगी ने उसको देख लिया, मैगी राउल मतलब मैगी तो टाइट थी, अगर वो टाइट नहीं होती तो मैगी रन कर जाती उसके पीछे। वो मैगी टाइट थी, वो एकदम से रोल करके उसके ऊपर भौंकने लगी काफी देर। तो बगल में जो बंदा बैठा हुआ था वो तो भाग गया दूर, और ये वाला जो था ना ये मेरी तरफ को आया, तो मैंने इसको पकड़ा। मतलब मैंने क्या हो गया, बोलता आर्मी से हो, मैंने बोला कि नहीं नहीं सर मैं आर्मी से नहीं हूँ। बोलते कि ये डॉग क्या कर रहा है और ये सब, मतलब उसने काफी क्वेश्चन किया। वो वहां से इतने में क्या हुआ, कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऊपर से निकल रहे थे, आई टोल्ड यू ना दो पैसेंजर्स थे ऊपर वाले थे, तो कुछ ट्रक ड्राइवर्स निकल रहे थे, तो उन लोगों ने मैंने चिल्ला दिया, मैंने कहा हेल्प भैया मुझे हेल्प चाहिए। मतलब काफी ऐसे तो नहीं चलाया बट बहुत रोने जैसी कंडीशन थी। वो लोग एकदम से आने लगे थे, तो ये भी बंदा भाग गया था, इसकी चाबी मैंने ले ली थी अपनी वापस। द थिंग इज कि वो जो नाइट है ना, अगर मैगी नहीं होती पता नहीं क्या होता मेरे साथ ना। वो बहुत मतलब आपकी जर्नी कंप्लीट एडवेंचर है, इट्स लाइक आई एम लाइक लिसनिंग टू अ स्टोरी, फिल्मी स्टोरी, मतलब पूरी फिल्मी बट रियल रियल है, बट इट्स लुक्स लाइक मैं स्क्रीन पे कुछ देख रहा हूं, इमेजिनिंग मैगी एज अ हीरो ऑफ द मोमेंट, एंड वाओ दैट्स अमेजिंग।